पब्लिक के बिना भी पिक्चर हिट हो सकती है। ये साल 2023 ने हमें समझा दिया हैप्पी न्यू ईयर। विदाउट पब्लिक कौन करवाएगा हिट? पिक्चर बनाने वाले खुद। क्यों? क्योंकि भूख बढ़ चुकी है ना। बॉक्स ऑफिस को कौन देखता है? वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को देखा जाता है। जब से RRR रिलीज हुई है उसे ट्रेंड शुरू किया, सबने फॉलो किया। देखो पहले क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ डंकी और सलार की बात नहीं कर रही हूँ। कंटेंट वाइज दोनों ही फिल्में मुझे पसंद है, तो क्रिटिसाइज हम तो नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना टिकट्स को लेकर, वो झूठ का पर्दाफाश करते हुए सच्चाई से रूबरू करवाना ये हमारा फर्ज है। सुनते आ रहे हैं ना हम कि मार्केट में इतना बुकिंग है कि इजीली टिकट्स नहीं मिल पा रही है, ओ ये तो इतना हाउसफुल है। तो वायरल वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें ऑनलाइन टिकट नहीं मिल रही है लेकिन लोग जाके थिएटर में सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि थिएटर तो खाली है या नॉट सो भरा हुआ है। फिर ऑनलाइन सब हाउसफुल कैसे? काला जादू कौन सा है ये? इसको कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग। नया ताजा है मार्केट में, गंदा है पर धंधा है ये। हम भी समझते हैं कि अपना धंधा चलाने के लिए, पिक्चर को हिट करवाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो स्कूल में जैसे इतने बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन दिखा दो फेक स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज इतने तो नहीं है जिनको हम पगार देते हैं लेकिन फेक एम्प्लॉयज दिखा दो। बिकॉज ऐसे ही इतनी जनता तो नहीं देख रही है पिक्चर, दिखा दो फेक बुकिंग्स। पता नहीं कब से चल रहा है ये सब हमारे साथ। मेरी मुफ्त में सलाह रहेगी पिक्चर बनाने वालों को कि अगर रैपिड बुकिंग दिखाओगे तो लोग तो जाएंगे ना देखने के लिए कि क्या चल क्या रहा है, काय बात की इतनी भसड़ है, तो थिएटर में जाके देखेंगे क्या मिलेगा। नॉट सो मच श्योर बट सन्नाटा। अब आ जाते हैं साल के अंत में आने वाली दो हिट्स पर। हिट्स क्योंकि वो इमोशनली हिट कर गई है देखने वालों को। डंकी वर्सेस सलार, मानो विश्व युद्ध चल रहा है। अरे भाई एक फैमिली मूवी है और दूसरी जो है वो एडल्ट एक्शन मूवी है। दोनों एक्शन मूवी होती है, दोनों रोमांटिक होती है, फिर भी चल जाता। लेकिन दोनों के जॉनर अलग अलग है लेकिन फिर भी फैंस लगे हुए हैं प्लास्टिक के छुरी कांटे से एक दूसरे का गला काटने के वास्ते। लड़ रहे हैं, सलार ज्यादा बड़ी है, डंकी ज्यादा बड़ी है। अरे एक एक को पकड़ के पूछो यार तूने कौन सी बनाई है। मेरा मतलब यह है कि प्रशांत नील और राजू हिरानी भी ऐसे नहीं लड़ रहे हैं। जॉनर अलग है लेकिन लड़वाने का कॉमन पॉइंट, किस पिक्चर के गुल्लक में कितने पैसे। डंकी ने हफ्ते भर में भारत में ही 150 करोड़ या उस जितना बिजनेस कर लिया है और वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो 300 करोड़ का कलेक्शन बनी है 120 करोड़ में। तो 2023 को क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, शाहरुख खान का हैट्रिक ईयर कह दें। सलार ने हफ्ते भर से कम टाइम में या कह सकते हैं 5 दिनों में 280 करोड़ कमा लिए। वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है पिक्चर। पर बनी है 400 करोड़ में, तो ज्यादा कमाई करने की इच्छा तो है ही उसकी। न्यू ईयर वीकेंड में ये भी हो जाएगी। 100 बात की एक बात, कैलेंडर बदलेगा, नई हिट्स आएंगी। लेकिन हिट का मतलब है समझ लो दिल को, इमोशंस को जो डायरेक्टली हिट करे। सिंपल एग्जांपल है, कोविड में रिलीज हुई थी 83 जिसका कलेक्शन किसी को शायद पता भी ना हो, लेकिन जब भी देखती हूँ मैं मुझे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, हमारे लिए खुशी हो जाती है, मन झूम उठता है। राम सेतु मैंने सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म को मैं फिर से देखना चाहूंगी। शाबाश मिचू, मेरे विदेश में रहने वाले जितने दोस्त लोग हैं एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं कि यार ये पिक्चर देखना। कारण है फिल्मों का कलेक्शन नहीं, कंटेंट। कंटेंट देखें और उसे सेलिब्रेट करें, अपने स्टार्स को सेलिब्रेट करें। 2023 की आपकी फेवरेट दो मूवीज के नाम जरूर से कमेंट करें। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर एंटायर फैमिली। आरजे अर्चना जानी की ओर से ढेर सारा प्यार, और अगर चैनल पसंद आए तो उसे जरूर से सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट ईयर 2024 में।